उठना यार। अली अब उठना यार। अरे सोने दो यार, प्लीज सोने दो। बड़ी मुश्किल से सीआईडी वालों से छुटकारा मिली है। अरे उसकी फिक्र मत करे यार, मैंने तुम्हारे लिए एक चाय बनाई है, उसको पीने के बाद सब ठीक हो जाएगा। लाओ जो। अरे उठ तो यार पहले। चाय जो। चाय। अरे वाकई में चाय आ गई। अरे हम चाय पियेंगे। वाह चाय अच्छी है ना। ये अरे नहीं, अरे नहीं, एक बूंद भी चाय नहीं गिरनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से चाय बनाई है मैंने। अरे बाप रे, मुझे ऐसे लगा कि मैं लाश से बात कर रहा हूं, जबकि मैं तो सपना देख रहा था। सपना? और ये क्या उंगली दिखा रहे आप? उंगली मत दिखाइए ना प्लीज। आप मेरी कॉपी कर रहे हैं क्या? उंगली नीचे रखी सर। कमाल है, उंगली क्या दबा दी मैंने। आप तो मोबाइल की रिंगटोन निकाल रहे हैं। यू मरा मेरा फोन है। कौन बोल रहा है? हुड हुड दबंग खान। हुड हुड, एक मिनट। एक्सक्यूज मी, बाय एनी चांस आप सलमान भाई तो नहीं बोल रहे? करेक्ट। सच्ची? आप वाकई में सलमान भाई है? मैं सलमान भाई से बात कर रहा हूँ। हे प्रभु प्रभु प्रभु, आपने मेरी बात सुन ली प्रभु। यस। अबे वो सब छोड़ और मुद्दे की बात सुन। हाँ बोलिए सर। हमने सुना तेरे घर पे लाश है। हाँ इधर लेट। लाश? सर आपको कैसे पता सर मेरे घर में लाश है? क्योंकि लाश को लाश बनाने वाला मैं ही हूँ। नहीं नहीं सर, आप ऐसा क्यों करेंगे सर? आप कितने बड़े स्टार हैं सर। मैं सलमान नहीं, सलमान का ड्यूप्लीकेट बोल रहा हूँ। अब सुन, लाश से छुटकारा पाना है तो चुपचाप पुराने किले के पास वाले जंगल में जा। वहाँ एक पेड़ पर सफेद रंग का निशान बनाया है, वहाँ जाके लाश को दफना दे। और हाँ, साथ में 5 लाख रुपए भी लेकर आ, वरना अगला फोन मैं CID को करूँगा। नहीं रख दिया, फोन रख दिया। नहीं अली नहीं, अगर CID को पता चल गया कि लाश यहाँ है तो वो तुझे मार मार के तेरे क्यूट से फेस को कैनवस बना देंगे और तुझे कम से कम 300-400 साल के लिए जेल हो जाएगी भाई। हाँ, क्योंकि अपने आप को निर्दोष साबित तो कर नहीं पाएगा कि तू बेगुनाह है, इसलिए जो ये कहता है तू कर ले। ये गाड़ी तो खोल दो, कहीं को लुट जाना चाहिए। सर मैंने वहां पे किसी को देखा। अबे तूने तो कहा था कोई है यहां पे, मगर यहां तो मच्छर और मक्खियों के अलावा कोई है नहीं। देखो एक काम करो, तुम उस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूं। और हाँ, ये गेम मत खेलना मोबाइल पे, समझे? गेम मत खेलना, यानी कुल 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 करते रहते हो, दिन भर खाली। आप मेरे में प्रॉब्लम दिखती है आपको। देख 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 देख, क्या है? कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। जिन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12? 9 से 12? 9 से 12 तक ही तुम दोनों की जिंदगी समित है।
पापा ये क्या कह रहे हैं आप? चुप कर बच्चा, अकल का कच्चा मत बन लुच्चा, वरना फूटेगा तुम दोनों पर मुसीबतों का गुच्छा। क्योंकि बाबा कपूर चंदास, मायसेल्फ कपूर चंदास, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, शादी से पहले, शादी के बाद, मैरिज, एक्टर, लॉयर, जो भी बनना चाहते हो उसका सबका इलाज है मेरा। क्योंकि बाबा कपूर चंदास ने तुम्हारी सितारों से ही तुम्हारी किस्मत का हाल पूछा। रुको मत। मतलब ये कोई नामचीन बाबा है? तो बाबा हमारी किस्मत के बारे में कुछ बताइए ना। जोर से चिल्लाएगा तो किस्मत सुधरेगी नहीं बाबा। जिन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12, गर्दिश में है तुम दोनों का सितारा। तेरे राहु ने है इसके मंगल को मारा, जिसे देखकर तेरे गुरु पर चढ़ गया पारा। उसने है इसके शनि को मारा, अब फूटेगा तुम दोनों पर मुसीबत सारा। तुम दोनों का सर भी फूट सकता है बच्चे। रुको मत। यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा खुद करे। नहीं, मुझे भी अपने सामान की सुरक्षा करनी है बाबा। अभी देखिए हेलमेट पहन लिया हमने, अब क्या करें? जिन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12, तुम दोनों की किस्मत है मुसीबतों का मारा। अरे बाबा ये तो हमें भी पता है। आज रात टूटेगा एक तारा, जिससे होगा खेल सारा। जिन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12, उस तारे को टूटने से रोकना होगा यारा, वरना समझ लो कि काल ने है तुम दोनों को मारा। बाबा आप सिर्फ इतना बताइए, इस तारे को टूटने से कैसे बचाए? रात भर ऊपर देखकर करते रहना काम है तुम्हारा। बाबा तारे को टूटने से रोकना है कि आसपास के गली के कुत्तों को भगाना है? समझ गए, आप जो कहेंगे वही करेंगे हम। शुरू हो जाओ बच्चे। दीवार की तरफ देख का, और जोर से, और जोर से। सलोंगे, बोल क्या लग रहा है? बस अभी डीएनए की रिपोर्ट नहीं आई है, जब डीएनए की रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि ये लाश अभिजीत की है या नहीं। वैसे दुआ करते हैं कि डीएनए मैच ना हो। यार तू मुझे एक बात बता, अगर ये बात होती तो फिर वो अली इतने कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा था कि उसने जो लाश देखी है वो अभिजीत की लाश है? हो सका होगा। मजाक मत कर सलोंगे। क्या सीरियस मामला है? डांटते क्यों यार? अभिजीत की फिक्र मुझे भी है, सबके सामने डांट दो यार। एक मिनट रुको। इंक हो गया, जहर से मरा है। मगर सर कोई दूल्हे का कॉस्ट्यूम पहन के जहर क्यों खाएगा? अभिजीत को दूल्हा बनने का बहुत शौक था, बन नहीं पाया, इसलिए उसने दूल्हे के कॉस्ट्यूम पहनकर जहर पी लिया। तारिका शौक में है, शौक में है तो समझाओ उसे। एक मिनट। I'm sorry sir, भावनाओं में बह गई थी। और टैक्स भी तोड़ दी तू। इधर तो क्या चल रहा है? शौक में है बेचारी। अरे वो छोड़ यार, तू अभिजीत के बारे में बता मुझे। एक बात पूछू मैं तुमसे? क्या बस? तुम्हें क्या लगता है अभिजीत ने वाकई आत्महत्या की? कितने सालों से सीआईडी में काम कर रहा है? ऐसे घटिया सवाल तो पूछ ही कैसे सकता है सलोंगे? अभिजीत कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकता। अरे अली सुनना यार, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसे डराते क्या किसी को? अरे यार मैं तो सिर्फ स्क्रिप्ट देने आया था। ऐसा स्क्रिप्ट देता है? ऐसे
आदमी अपने धुनकी में कुछ हो जाता मुझे तो। अरे अरे सुबह से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा था, मिल नहीं रहा था। और ये गेटअप लेके तू आ कहां से रहा है? था कहां? जंगल से। क्यों, घर में बाथरूम नहीं है क्या? आंसू? अरे यार मैं तो बस यूं ही हुआ क्या? जान के क्या कर लेगा तू? अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, तू क्या कर लेगा? अच्छा तभी मैंने सीआईडी वालों को तेरे घर से निकलते हुए देखा। बॉस माजरा क्या है? सीआईडी वाले? सीआईडी वाले? मुझे पता था यार ये सीआईडी वाले छोड़ेंगे नहीं, मैं कभी ना कभी फंसूंगा जरूर, तो मैं फंस ही गया। मेरा तो कुछ लेना नहीं रहे देना, मैं फालतू। मुझे बचा ले प्लीज, मुझे बचा, मुझे यहाँ से कैसे भेज दे भाई, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं फालतू में फंस गया, मैंने कुछ नहीं किया यार, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, कोई ऐसी जगह भेज मुझे बिदवाड़ा कि मैं वहां से वापस आऊँ ही नहीं। शांत 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 हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। अब ये बता हुआ क्या? क्या यार मैंने कुछ नहीं किया, मैं उस दिन सुबह शूटिंग के लिए आ रहा था। हाँ इसमें मेरा क्या कसूर? अरे बाप रे, इतना बड़ा कांड हो गया। लेकिन ये कांड मैंने नहीं किया ना भाई, मैंने क्या किया यार, मेरी तो गाड़ी में मतलब मैं तो फालतू में फंस गया ना, उसको ठिकाने लगाने में मैं क्या करूँ यार, मुझे बता भाई। एक काम कर, तू ना कुछ दिनों के लिए जब तक ये मामला ठंडा ना हो जाए तू कहीं बाहर घुमा, बाहर चला जा। कैसे चला जाओ यार, इतना अच्छा रोल मिला है, मैं ये सब छोड़ के चला जाऊं? अरे वो मैं कर लूंगा। क्या? नहीं मेरा मतलब वो मैं संभालूंगा, तू जा भाई। पर रोल का क्या है, ये तो आते जाते रहते हैं ना, जब वापस आएगा फिर से कर लेना। अरे सोच क्या रहा है भाई, निकलना यार। ये बात तूने बिल्कुल सही कही है यार, थैंक यू यार। ठीक है मैं चलता हूँ यार। ये सही नहीं है। तू मुझे पता है थोड़ा डिक्की में आवाज है। अबे मैं डिक्की के नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अरे नहीं, डीएनए रिपोर्ट आया है सर। ये कोरियर आया है आपके नाम। ठीक है, थैंक यू। ओके सर। डीवीडी? इसके पीछे तो भेजने वाले का नाम पता कुछ भी नहीं लिखा हुआ। पूर्वी देखो जरा, ये तो अली है। क्या अली हमसे झूठ बोल रहा है? अपराध इसी ने ही किया है, इसी ने। और इसी लाश को अभिजीत कह रहा था ना? हाँ। पूर्वी जूम करो जरा। माय गॉड,
सर आप मुझे ऑर्डर दीजिए सर, मैं उस अली को नहीं छोड़ूंगा जिसने ये खून किया है। हमारे हाथों से नहीं छूटेगा ये अली, उसे सजा देकर ही रहेंगे हम, लेकिन जज्बाती होकर नहीं, ठंडे दिमाग से। अली ने मेरे दोस्त की लाश को छुपाने की कोशिश की है, खून भी उसी ने किया होगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। ये अली को क्या हो गया? सर सांसें चल रही है, सिर्फ बेहोश है। मैं जानता हूं इसे कैसे उठाना है। कोर्ट नहीं तो दुनिया से उठा दूंगा तुझे। नहीं उठेगा, जाओ जरा पानी लेकर। सीआईडी आई है। सीआईडी? हाँ, हमें तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया, अब दुनिया को तेरी सच्चाई का पता चलेगा। क्या हुआ? अरे रुक जा, रुक। सर सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, भीख मांग पैर पड़ता हूँ मैं आपके सर, प्लीज मुझे जेल में डाल, 300 साल 300-400 साल के लिए डाल दो सर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बाहर नहीं रहना चाहता सर, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर प्लीज। वो तो डालेंगे ही, क्योंकि हमें तुम्हारे खिलाफ सबूत मिले। उठो देखा इसे, आइए। सर ये जमीन से निकलकर मेरे पास आया सर। हाँ सर, ये मुझे मार डालेगा सर, ये मुझे मार डालेगा सर, मैं सच्ची कह रहा हूँ, ये मेरे पास आया सर। लाश चल के तुम्हारे पास आई थी। हाँ सर, जब से मिला तब से ड्रामे पे ड्रामा कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए। सच सच बता, अभिजीत की लाश तेरे पास कहां से आई? अभी तक सर एक मिनट सर, आठ देखा है आपने? आठ? हाँ। उसमें कैसे सर भूत पिशाच चलकर आते सर, वैसे ही ये चलकर आई थी सर, ये आत्मा बन गई है सर, मैं सच्ची कह रहा हूँ, ये आत्मा। मेरा यकीन क्यों नहीं करते आप लोग? देख, अगर तूने सच सच नहीं बताया ना तो तू आत्मा बन जाएगा, समझा? अरे मैं सच्ची तो बोल रहा हूँ, आप लोग मेरे बोल, अभिजीत की लाश को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहा था तुम? बता दो, जब मैं घर पहुंचा सर, मैं थक गया था सर, तो मैं जाकर के बिस्तर पे लेटा सर, जैसे ही मैं लेटा सर, मैं ऐसे तो तुझे लाश छुपाने के लिए सलमान का कॉल आया था है? मैं पॉपुलर हूं ना सर, तो ऐसे फोन मुझे आते रहते, मैंने आपको बताया था ना सर कि आई एम वेरी पॉपुलर अमंग गर्ल्स। ठीक है तुम जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। मेरे को नहीं जाना है सर, मैं कहीं नहीं जाना चाहता सर, ये मार डालेगा मुझे सर, सर प्लीज मुझे आप अपने पास रख लो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे आप अपने पास, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा सर, नहीं तो मैं मर जाऊंगा सर, सर प्लीज मुझे मत जाने दो सर, मुझे अपने पास रख लो सर प्लीज प्लीज। मैं आपका सर, मेरी प्लीज, मैं चलो सर, इसे फिर जाने दिया मुझे, रख लो सर। इसके पीछे भी एक वजह है। हीरोइन यहां खड़ी है, ओके? अब हीरो यहां से
यहां से एंटर करता है। ओके अरे ये अरे ये कहां से आ गया? ए सर हीरो है, हीरो को तो आना ही था ना, तो आएगा नहीं क्या? मैं पहुंच भी देख। क्या बात है सर, मेरा रोल इस मेदू वड़ा को दे दिया आपने। तुम्हें सीआईडी ने छोड़ दिया? हाँ। बड़े अफसोस की बात है। क्या? मेरा मतलब है बड़े बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में हमारा फेवरेट स्टार अली हम सबको फिर से एक बार तंग करने के लिए आ गया। तालियां। चलिए तैयार हो जाइए। पर सीन क्या है? जा भाई सीन समझा दे। सर सीन दरअसल हिंदी में। अरे वाह क्या बात है। बाय द वे मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंटेंट क्या है ये पूछ रहा हूँ। सर दरअसल आपकी बहन घर आती है और आपसे कहती है कि जिस लड़के से उसने आपकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी ना सर, उसने उसे धोखा दे दिया सर। वो तो होना ही था, भाई के खिलाफ जाएगी तो ऐसा ही होगा ना। अच्छा लिखा है सीन। पादा भगा रहे हैं सर। सर ये कोई नया जानवर है क्या? ये जानवर नहीं है, मुसीबत है, अड़चन है, जिससे डरा हुआ हमारा तन मन है। और ये ना ये मंत्र उच्चारण है। पंकज फ्रेडी एक बात याद रखना, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये सामने खड़ी है। उतारो हेलमेट। पूर्वी हेलमेट उतारो। सर नहीं 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 ये गया सर। नहीं मेरे पूर्वी सर। सर अभी जॉनी लीवर का फोन आया था। जॉनी लीवर का? जॉनी लीवर वो तो बहुत अच्छे कॉमेडी एक्टर है। नहीं नहीं सर मेरा मतलब है वो जॉनी लीवर जो जॉनी लीवर की आवाज में धमकी दे रहा था सर, और कह रहा था कि अगर तुम ये केस नहीं छोड़ोगे तो तुम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। हमें धमकी दे रहा था ये मिमिक्री आर्टिस्ट सीआईडी को। शायद पता नहीं उसे एक बार हाथ लग जाएगा ना सारी एक्टिंग भूल जाएगा। सर अभिजीत सर की लाश उस दूल्हे के कॉस्ट्यूम में मिलना और इस मिमिक्री आर्टिस्ट का फोन आना, ये कनेक्शन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूर्वी ये सारा चक्कर ये सारा प्लान जरूर अली को फंसाने के लिए ही बनाया गया है, इसीलिए तो वो वीडियो भेजा गया हमें जिसमें अली लाश छुपा रहा है। ये सारा प्लान उसे फंसाने के लिए ही है। अली साहब इस बार ना मेरा डायलॉग मत खाइएगा। नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं नाश्ता करके आया हूँ। हंसो यार यूमर है। चलो भाई शूटिंग शुरू करते हैं। चलो देखा तेरा डायरेक्टर कितना अपशगुन है, एक्शन बोलने से पहले ही लाइट चली गई। बाबू मुझे छोड़ के भाग गए। मेरा खून यही है, जिसने मेरा खून किया है वो जिंदा नहीं बचेगा। विष्णु साहब अच्छा हो गया आगे लाश यहीं पर है, उसे अरेस्ट कीजिए, वो यहीं गई है। लेकिन आज तक हमारे देश में ऐसा कानून नहीं बना है कि हम लाश को गिरफ्तार कर सके। अरे पर लाश यही है। पता है मुझे, और आप सब लोग उससे मिलना चाहते हैं है ना, तो ये बुला लेते हैं।
लाश आ जाओ बाहर। अली जी सर ये देखो सर, सर ये तो अभिजीत है। हाँ ये अभिजीत ही है। अरे पर ये तो यही है और जिंदा है। हाँ वो लाश ही थी, वो लाश ही थी जो तुम्हारे कार में किसी ने तुम्हें फंसाने के लिए रखी थी। और जिसने भी वो लाश रखी ना तो यहीं पर जो भी उन्हीं में से किसी ने रखी थी समझे। और वो कौन है उसका पता लगाने के लिए हम यहाँ आए। पर अभिजीत तुम गोवा गया था? हाँ यार मैं गोवा में ही था। मेरा पर्स और वॉलेट गुम हो गया। फिर क्या यार, ट्रक के पीछे बोरियों और टोकरियों के साथ धक्का मुक्की करते हुए मैं पहुंचा मुंबई। सचिन मेरी नजरें धोखा खा सकती है मगर दिल नहीं धोखा खाएगा कभी भी। अभिजीत को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। अभिजीत सर? हाँ हाँ अभिजीत सर, कुछ नहीं होगा उसे। अरे सर कुछ नहीं हुआ उनको, आपके पीछे। अरे अभिजीत कहाँ थे तुम? सर गोवा में मेरा पर्स और मेरा मोबाइल गायब हो गया। वहां से कैसे आया हूँ ट्रक में लत फंद के सर की पूरी हड्डी पसली एक हो गई। क्या हालत खराब हो गई सर मेरी एकदम। वाह तुम्हारी हालत खराब हुई थी, हमारी हालत यहाँ पर खराब हुई थी। बताया हमने तुम्हारी लाश को जमीन में गड़ते हुए देखा। लाश? हाँ क्या मेरी लाश? हाँ सर क्या बात कर रहे हैं सर, मैं तो यहाँ आपके सामने अच्छा भला खड़ा हूँ, गड़ कैसे सकता हूँ सर। लो अब दिखाओ इसे। देखिए सर ये तो मैं हूं। हम भी ऐसे ही चौंके थे अभिजीत जब हमने देखा, देखकर लगा कि तुम तो। अरे ऐसे कैसे जा सकता हूं सर, वो भी दूल्हे के कॉस्ट्यूम में। आपके रहते ये कॉस्ट्यूम कहां नसीब हो गया मुझे। शादी करने गए थे गोवा? अरे नहीं सर शादी ऐसे कैसे। अरे लेकिन ये हुआ कैसे सर? अभी बताता हूं। वो अली कॉमेडी एक्टर अली, वो डीवीडी, ये सारा चक्कर ये सारा प्लान जरूर अली को फंसाने के लिए ही बनाया गया है। My God, ये तो बहुत बड़ी साजिश है सर, अली को कोई फंसा रहा है। अभिजीत सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये लाश तुम्हारे हम शक्ल की लाश, ये हम शक्ल है कौन। सर वो पेड़ तो वैसे ही लग रहा है जो फुटेज में हमने देखा था। हाँ ये देखो यहाँ पे जमीन, ये क्या अभी अभी खुदी हुई लगती है, लगता है लाश इसी के नीचे छुपा के रखी होगी। हैं खोद कर देखते हैं। एक मिनट।
अभिजीत हटाओ सेहरा, देखे तो जरा दूल्हे का मुख। ये तो बिल्कुल मेरी शक्ल है, जुड़वा भाई लगता है। लाश को फोरेंसिक लैब भेजते हैं, साउंड के पता लगा लेना। सर इस पेड़ पे अगर कैमरा लगाया था इतना बड़ा, किसी को दिखाई नहीं पड़ा। हो सकता है अभिजीत बड़ा नहीं छोटा कैमरा हो। कातिल ने वो कैमरा कहीं ना कहीं से तो अरेंज किया ही होगा। हाँ पता लगा लेंगे कहां से कैमरा लाया था। अब लाश मिल गई है तो कातिल भी मिल जाएगा। नहीं तारिका ये पॉसिबल ही नहीं है। ये ठीक है खुद ही देख लेना भाई। जरा अभिजीत क्या अरे अभिजीत अभिजीत नहीं अभिजीत ये तुमको क्या हो गया अभिजीत नहीं ये झूठ है अभिजीत को कुछ नहीं हो सकता। मेरी कसम तुमको वापस आ जाओ। अरे रो मत मैं मरा नहीं हूँ। देखो बोला मैं मरा नहीं हूँ है ना। अरे पर लाश कैसे बोल सकती है यार। अरे मैं जिंदा हूँ सर। देखो कह रहा है और आप लोग जबरदस्ती इसको मारने की कोशिश कर रहे हो। जिंदा उधर नहीं इधर यहाँ पे। पिचीर पिचीर तू जिंदा हूँ। क्या हुआ क्यों खास क्यों रहे हैं? वो तुम जिंदा हो ना। तुम जिंदा हो थैंक गॉड तुम जिंदा हो। हाँ सर मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नहीं लेकिन हाँ डॉक्टर तारिका हो गया आइए। नहीं मैं ये कह रहा था कि तुम्हें देख करके लगता नहीं है कि तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक ठाक है। सर वैसे थोड़ी तबीयत तो मेरी आपको देख के ही खराब हो जाती है। मतलब मैं अभी ऐसा हूँ सर। गोवा गया था, गोवा से वापस आ रहा हूँ, ट्रक के पीछे बैठ के धक्के खाते खाते आ रहा हूँ, इसलिए ऐसा लग रहा हूँ। अकेले अकेले गोवा जाने के बाद तो यही हालत होती है। सर मतलब अजीब माजरा है, मेरी शक्ल वाला ये आदमी ये क्या पहली है? नहीं नवेली है। क्या मतलब? ए, स्किन नई नवेली है। स्किन? मतलब? ये स्किन प्लास्टिक सर्जरी से लगाई गई। अभी देखो लाश तो फूल जाती है ना मरने के बाद, लेकिन ये इसका चेहरा देखो बराबर है, फूला नहीं है। क्यों नहीं फूला? क्यों? क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी करवाई गई है चेहरे की, नई स्किन लगाई गई है। प्लास्टिक सर्जरी? मतलब अभिजीत इसने तुम्हारा चेहरा अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी से बनवा लिया, फिर तुम्हें मारने का प्लान किया ताकि ये CID में घुस सके। लेकिन देखो शायद गलती से इसे ही मार दिया। सर जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अब असली मुझे इनकी पहचान कैसे हुई? करूंगे इसके चेहरे पर जो नकली स्किन है उतार दे उसे और इसका असली चेहरा बता दे, मिल जाएगा ये। तब तक उस कैमरा के बारे में पता लगाते हैं, वो कैमरा जिससे वो वीडियो शूट किया गया है। अली लाश को जमीन के नीचे छुपाने का भी हो। जी आपको कुछ चाहिए? CID? नहीं नहीं ये उनका ऑफिस नहीं है, उनका ऑफिस कहीं और है। और आप लोग जाइएगा मत,
वो लोग जो पकड़ लेते हैं ना छोड़ते नहीं, बहुत खतरनाक लोग हैं। ए, हम लोग सीआईडी से। अब सर, 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 अरे सुनो, हम लोग तुमसे कैमरा सीखने के लिए आए हैं। क्यों, सीआईडी में ज्यादा कमाई नहीं है? अरे आप क्या करे, हमारा दुखड़ा किससे सुनाए। सुनो, हम यहाँ कमाई के लिए नहीं आए, समझे, कैमरा के बारे में सीखने के लिए आए, और साथ साथ कुछ एक्टिंग भी। यही सोच रहे कोई सिनेमा बना ले केस सॉल्व करने का। ये सही है, इसको देखो क्रिएटिव काम करने चलाता है। कुछ बोला तुमने? नहीं नहीं सर, मैं क्या बोल सकता हूँ सर। ज्यादा ही बोलते हो क्या, नाम क्या है तुम्हारा? सुंदर सर। सुंदर, अब सुंदर बताओ, क्या ऐसा कोई कैमरा है जो पेड़ पे चढ़कर नीचे शूटिंग कर सकते हैं? देखो, कोई ऐसा कैमरा जो पेड़ पे कम जगह होते हुए भी आसानी से फिट किया जा सके। हाँ सर, होता है ना सर, इसे मिनी प्रो कहते हैं सर। इससे हम रनिंग शॉट्स भी ले सकते हैं, और छोटी छोटी जगह पे एकदम छोटी से छोटी भी, वहां फिट कर सकते हैं इसको। जरूर यही कैमरा इस्तेमाल हुआ है, मिनी प्रो। क्या ये मिनी प्रो कैमरा है तुम्हारे पास? हाँ सर है ना। तो एक बात बताओ सुंदर, क्या कल कोई तुम्हारे पास आया था और भाड़े पे ये कैमरा लेकर गया? हाँ सर, लिया था ना, पैसे भी दिए थे। कौन आया था? आदमी था सर। अच्छा अच्छा, मुझे लगा बंदर था। क्या नाम है उस आदमी का? वहीं से हमें पता चला कि कौन है वो जिसने ये सब किया है। अरे अरे अरे, अरे नवीन बाबू, कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? मेदुवाड़ा? तू मेदुवाड़ा? सर ये नवीन है, मैं मेदु। हाँ जो भी है, तुझे क्या लगा था तू बच जाएगा? जिस मोबाइल से तू अलग अलग हीरो की आवाज निकाल रहा था, उसे हमने ट्रेस कर लिया, तेरे घर पहुंच गए, और वहां पे हमें वो जहर वाली बॉटल मिल गई जिससे तूने अभिजीत का खून किया था, डुप्लीकेट अभिजीत का। हम मुंह का शटर खोल और फटाफट बोल, क्यों किया तूने ये सब? सर ये सब मैंने सर पैसे के लिए किया था सर। सर मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूं, मुझे पैसा कमाना था, मैं क्या करता सर? वाह, पैसों के लिए मर्डर कर दिया, पैसों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लोगों का खून नहीं। सॉरी सर, मैं बहक गया था। पर तुमने मेरी शक्ल का आदमी क्यों चुना? सर मैं पैसों के लिए माफिया के पास गया था, तब तक वो अभिजीत सर को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें एक ऐसे एक्टर की जरूरत है जिसकी कद काठी बिल्कुल अभिजीत सर की तरह हो, ताकि वो उसे अभिजीत सर की जगह सीआईडी में डाल देते और असली अभिजीत सर को मार देते। फिर क्या हुआ? सर फिर मैंने अपने एक एक्टर फ्रेंड से बात की जिसकी कद काठी बिल्कुल अभिजीत सर जैसी थी, और वो मान गया सर। और माफिया ने उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई और अभिजीत का चेहरा लगा दिया। जी सर। पर तूने उस बहरूपी अभिजीत को मारा क्यों? सर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा, मुझे कह रहा था कि मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, और उस दिन पार्किंग लॉट में मैंने उसे। तू टेंशन क्यों लेता है, तेरा हिस्सा तुझे मिल जाएगा। ए, तुमको क्या लगता कि सारा मलाई तुम लोग खाएगा, मैं तुम लोग के जूठन खाएगा क्या? इतना रिस्क तो मैं। ये क्या है इसमें? क्या पिलाया तूने? चल की गाड़ी। अली भाई
मैं आपकी गाड़ी पार्क कर दूं? क्यों भाई? अरे भाई आप इतने बड़े स्टार हैं, मैंने बहुत कुछ आपसे सीखा है, प्लीज मैं गाड़ी पार्क कर देता हूँ ना। अरे वाह मेरे मेदू वाड़ा, वो कहते ना जहाँ जागो वही सवेरा। आज तू जाग गया, ले कर और ये पेट कम कर, चल। मेरे भरोसे का तूने ये सिला दिया मेदू वाड़ा? छी, चंद पैसों के लिए तू इतना गिर जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बुराई का अंजाम कितना बुरा होता है ये तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे ही पता चलेगा। ले जाओ इसे। चला। सर थैंक यू वेरी मच। भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम। नो प्रॉब्लम। आप लोगों की वजह से मेरी लुटिया डूबने से बच गई सर। अगर आप लोग नहीं होते तो करियर के साथ साथ मेरी इज्जत भी चली जाती। अरे वैसे भी अली भाई आप लोगों को हंसाने का काम करते हो, लोगों का प्यार है आपके साथ, आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। स्टार हैं आप। अरे नहीं सर, स्टार तो आप लोग हैं सर, आप लोगों की वजह से हम लोग सेफ है। सर पेन है? पेन तो नहीं, गन है। नहीं नहीं गन नहीं, पेन ही चाहिए सर। पेन वो आपके साथीदार है ना फ्रेडी भाई, उनकी मिसेस को ऑटोग्राफ चाहिए था ना, वो मेरी बहुत बड़ी फैन है। अरे फैन तो हम सब है आपके। थैंक यू। एक्चुअली क्या ना, आई एम फेमस इन गर्ल्स। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.